कैसे जाऊंगी? मैं छोड़ दूं? नहीं नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी बाइक से। बाइक से? तूने बाइक बुक की है क्या? हाँ वही बाइक ही तो बुक कर रही हूँ। आ गया, मतलब बाइक वाला आ गया है। ठीक है मैं जा रही हूँ पापा, और थोड़ा आने में मुझे लेट हो जाएगा। ठीक, बाइक वाला इतनी जल्दी? हाँ। अरे ये नाटक तो करती जा। आयुषी बेटा, मटर पनीर की सब्जी बना रहा हूँ। और हाँ, अपनी मम्मी को ये जरूर बताना, जब वो मायके जाती है ना तो पापा कितनी बढ़िया बढ़िया सब्जियाँ बना के खिलाते हैं। पापा आज मुझे जानवी के बर्थडे में जाना है। इतनी रात को? रात का है पापा, शाम हो रही है। और हाँ, आज मैं वहाँ पे नाइट स्टे भी करूँगी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें जानवी के घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैंने कैब बुक कर ली है। ठीक है। ओटीपी दे रहे थे बेटा। मैम ओटीपी दे रहा हूँ। ओटीपी? हाँ 0902 0902। ये तो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है। कोइंसिडेंस पापा? कोइंसिडेंस? हाँ ये लड़का दिन में बाइक चलाता है और रात को कार, क्यों कितना कमा लेते हो? बस अंकल 2-3 हजार बन जाता है। वैसे मुझे लगता है तुम्हारी ये गाड़ी 2-3 हजार रुपए का तो तेल पी ही जाती होगी, कुछ बचा भी लेते हो। पापा मुझे लेट हो रहा है, आप चलो ना भैया। देख क्या रहे हो भैया, मुझे भी उसी साइड जाना है, चलो ना। एक मिनट भैया। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा जानवी के बर्थडे पे स्टैग एंट्री नहीं है क्या? पापा वो गर्ल्स पार्टी है, आप वहाँ जाके क्या करोगे? और आपको जाना ही है तो आप अपनी गाड़ी लेके चले जाओ ना। जब घर की गाड़ी होते हुए तू कैब बुक कर सकती है तो फिर पैसे बचाते हैं ना। जानवी के घर के कितने होंगे? 350। कमाल है, कैसी कंपनी है, ड्राइवर कम बताता है और कस्टमर ज्यादा। ऐसे तो तुम्हारी कंपनी फेल हो जाएगी भैया। अंकल मैं भैया नहीं हूँ। पापा ये ड्राइवर नहीं है। और मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ, हम पेरेंट्स सब समझते हैं। तुम यंग हो, दुनिया को अपनी नजर से देखना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब तुम ये समझने लगते हो कि हमारे पेरेंट्स बेवकूफ हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। जिंदगी खुल के जीने के लिए है, जियो एक्सप्लोर करो। पर इसके चक्कर में तुम्हारे पेरेंट्स के भरोसे का एक्सप्लोजन हो जाए, ये ठीक नहीं है। माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ हैं, ताकि कोई अनचाही स्थिति उन पर आ जाए तो वो उन तक पहुंच तो पाए। बाकी टाइम से घर आ जाना बेटा, अगर तुम सच बोलना सीख जाओ तो साल में 4 बार जानवी का बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।